हेलो व्यूअर्स, आज जो हम एक्सरसाइज सीखने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। इस एक्सरसाइज की विशेषता ऐसी है कि ये एक्सरसाइज आपको अपने फेफड़े में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में सहायता करती है, बलगम जिसको हम इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं। इस एक्सरसाइज के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है ब्रीदिंग कंट्रोल, दूसरा पार्ट है थोरासिक एक्सपांशन और तीसरा पार्ट है हफिंग टेक्निक्स। अब आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक। इस टेक्निक की विशेषता ऐसी है कि इस ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक को करने से आपके शरीर में रिलैक्सेशन इंड्यूस होता है और आपकी जो सांस लेने की लय है वो नियर नॉर्मल आ सकती है। ये टेक्निक को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथ स्टमक पर रखने हैं, ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर के मसल्स रिलैक्स रहें, गर्दन के मसल्स रिलैक्स रहें। इस टेक्निक को करने के लिए आपको नाक से लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। जिन पेशेंट्स को नाक से सांस लेने में तकलीफ हो वो मुंह से इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। जो हम मुंह से सांस छोड़ते हैं उस टेक्निक को कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग करने के लिए आपको मुंह से सांस छोड़ते वक्त जैसे हम एक कैंडल को ब्लो करते हैं वैसे ब्लो करना है, धीरे से, इस तरह से। ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक 1 मिनट तक आपको रिपीट करनी है जब तक आपके रेस्पिरेटरी पैटर्न या आपकी जो सांस लेने की लय है वो नियर नॉर्मल आ जाए। अब मैं आपको इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक करते वक्त अपनी आंखें बंद करिए जिससे आपको अपने सांस लेने की लय पर ज़्यादा बेटर कंसंट्रेशन करने का एक मौका प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम इस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दोनों हाथ स्टमक पर रखना है, नाक से लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। अब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थोरासिक एक्सपांशन एक्सरसाइज। इस थोरासिक एक्सपांशन एक्सरसाइज को करने की ऐसी विशेषता है कि ये आपके सिक्रीशन या बलगम को जो लंग्स में जमा हो रहा है उसे मोबिलाइज करने में सहायता करता है। थोरासिक एक्सपांशन एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथों को अपनी पसलियों पर रख लें और जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लें। और एक रिलैक्स वे में बाहर छोड़ें। सांस लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पसलियों के मूवमेंट को जो बाहर फ्लेयर अप हो रहे हैं उसको यहाँ हाथों पर फील करें। मैं आपको एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज को आप 10 बार दोहराएं। अब आपको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हफिंग टेक्निक। हफिंग टेक्निक की विशेषता ऐसी है कि हफिंग टेक्निक करने से जो सिक्रीशन आपके लंग्स से ऊपर की ओर मोबिलाइज हुए उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। हफिंग टेक्निक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लो वॉल्यूम हफ, एक होता है हाई वॉल्यूम हफ। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि आप जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं हफ करने के लिए वो कम ज़्यादा यूज़ करना होता है। पहले हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे लो वॉल्यूम हफ जिसमें आपको कम फोर्स का इस्तेमाल करना है। अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हाई वॉल्यूम हफ, इसको आपको ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना है। हफिंग करने के लिए आपको फोर्स कम ज़्यादा करना है, जैसे आपका सिक्रीशन बाहर आ जाए हफिंग टेक्निक को बंद कर देना है। इसको आपको 2 से 3 मर्तबा दोहराना है।